न्यू डे इन शिमला, ब्रांड न्यू डे। सुबह सुबह थोड़ा लेट हो गए, शेड्यूल से लेट चल रहे हैं, जा रहे हैं। आज हम होपफुली रिवर राफ्टिंग करेंगे और अच्छा वाला करेंगे, फर्जी वाला नहीं। ये छोटे छोटे से झाड़ लो एल्टीट्यूड के एप्पल्स हैं जो तोड़ लिए गए हैं और एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये और अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पे, अरे एक भी एप्पल नहीं, एक भी एप्पल नहीं है ना। इतने से झाड़ में एप्पल आ जाते हैं? अच्छा, बीच में नहीं भी है ना, ये जो बड़े बड़े हैं इसमें तो लगे होंगे। अच्छा, शिमला से अराउंड 40 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। ये है वादी और यहाँ बह रही है सतलुज। इंडस ना है? तो अलग अलग। अच्छा, हमने डिसेंड करना शुरू कर दिया है, मोस्टली अब नीचे ही नीचे जा रहे हैं। लद्दाख जैसे पहाड़ हैं थोड़े थोड़े। चलेंगे रात को, बैठेंगे वहाँ चल के, पर यार बहुत चढ़ना पड़ता है। ये माल रोड की बात हो रही है, बट आज लिफ्ट से जाएंगे, आपको लिफ्ट दिखाता हूँ कहाँ पे है। लिफ्ट से माल रोड चढ़ेंगे, लिफ्ट ढूंढेंगे। हाँ वो तो सुबह पूछा था, मैंने दिखा दिया था। एनीवेज, कमिंग बैक टू, हम अभी हैं चाबा में, जो तातापानी के पहले, तातापानी में हॉट वाटर स्प्रिंग, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ राफ्टिंग का देख रहे थे, तो पानी थोड़ा सा मैला ही दिख रहा है, और फोटोज वगैरह देखे तो मतलब अभी बिगिनर लेवल पे तो जो राफ्टिंग होती है वो थोड़ी बहुत बोटिंग जैसी दिख रही थी, और चार्जेस उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई लग रहे थे हमको। जैसे इनिशियली बोला था 1500 पर पर्सन, फिर वो 1000 पे आ गए, एक और जगह पूछा था 1200 से, फिर वो 1000 पे आ गए। तो पर हाँ, उसके नीचे फिर जाना मतलब अराउंड 7-8 लोगों का 5000 बोल रहे थे एक बोट का, बट एक 12 किलोमीटर का बोलते हैं और अराउंड 1 घंटे का बोलते हैं, बट आई थिंक 1 घंटा बहुत ज़्यादा कम है ऐसे में। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि एक वो 12 किलोमीटर वाले में ही 2-3 घंटे आराम से हो जाने चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ रीज़न थे, और फिर पता नहीं काफ़ी फेमस भी हो गया होगा या हाइप्ड हो गया होगा, इसलिए फिर स्किप कर रहे हैं हम ये वाला प्लान, और अब हॉट वाटर स्प्रिंग में जाके देखते हैं कैसा मज़ा आता है। और यहाँ पूरा का पूरा स्कैम हो चुका है हमारे साथ। जो यहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे वो 5 साल पहले ही इस डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक होटल है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ 400 रुपये है 25 मिनट का, पूल बना हुआ है आर्टिफिशियल सा, लेकिन फीलिंग आता है उसमें, उससे अच्छा तो आप किसी अच्छे से स्विमिंग पूल में नहा लो, और उसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे सिटी में एक हॉट वाटर का वो है, जो हमें लग रहा था कि कुंड जैसा है, जो कि पूल जैसा होता है, लेकिन कुंड जैसा नहीं था, उसमें तो बस पानी गिर रहा है, पाइप से गिर रहा है और धूप भी है, तो अभी बस एकमात्र यहाँ पे कुंड बचा हुआ है वो देख के आ रहे हैं। यहीं पे है, देखते हैं। ये पानी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आ रहा है ऐसे सल्फर का गर्म पानी, और ऐसा छोटा सा कुंड बना हुआ है, और ये अभी डैम बन चुका है, वरना यहाँ पे पहले हॉट स्प्रिंग्स हुआ करते थे। हाँ साबुन अपन नहीं लगाएंगे, आप तो बस नहा लो मस्त। घूम फिर के तो हम आ गए, हुलिया मस्त हो गया है शाम का टाइम है तो। अभी फिर थोड़ा सा रेस्ट करके माल रोड फिर से जा रहे हैं, वहाँ आज तो बस ऐसे बैठने का प्लान है, और आज लिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो कहीं आगे से लिफ्ट मिलती है, बस स्टैंड जाके बस पकड़ के लिफ्ट जाएंगे, और लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, तो आज चढ़ेंगे नहीं भाई, थक गए कल चढ़ते चढ़ते, बहुत हो गया। ये यहाँ पे है लिफ्ट, तो लिफ्ट के अंदर का एरिया ऐसा कुछ है, 10 रुपये पर पर्सन का टिकट है यहाँ पे, और ये लिफ्ट इधर ऊपर जाती है, तो आज हम बिना चढ़े ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, और इधर कुछ तो भी है पता नहीं, इधर से शायद एक और लिफ्ट मिलेगी और ऊपर जाने के लिए। आ गए मॉल रोड, कैसे पता ज्यादा ऊपर नहीं है? आ गए, ये तो रहा, ये देखो आ गया है मॉल रोड। स्किन भी खाना है, पर्सिमन मैंगो, पूरे हर सीजन में मिलता है ये? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ यही एक महीने का सीजन होता है। बढ़िया फ्रूट है, मीठा बहुत अच्छा। एक सिटी में ज्यादा दिन रहने का यही फायदा होता है, आज बैक साइड डिस्कवर को मिलने को बैक साइड डिस्कवर करने मिला है। सत्यम भाई आप तो 2 बार आ चुके हैं शहर में, फिर भी उनको नहीं पता? लालत है, लालत। दूसरी बार, 2 बार नहीं। तो 2 बार ही काउंट होगा ना, तो दूसरी बार में पता चलेगा। एनीवेज
अच्छा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, वुडन आइटम्स वगैरह मस्त है यहाँ पे। शॉपिंग तो हो गई आज मेरी शुरुआत, प्रीमियम वाइन की दुकान से एप्पल साइडर विनेगर लिया है मैंने। तो ये हम वही वाली बेकरी पे आए हैं, त्रिशूल बेकर्स। आज हमने पनीर कुलचा खाया है, कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत टेस्टी है। क्या देखा हुआ है? देखा तो ऐसा क्या दिखा है? ठीक है रुको, फिर से अब बैक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए पनीर कुलचा, ये खाई हुई चॉकलेट पेस्ट्री, खाया हुआ पनीर कुलचा, कैसा लगा आपको? आपको बहुत टेस्टी है यहाँ, बस रख रख के खाने का मन हो रहा दोबारा से, एक बार रख दो फिर खा लो, फिर लो। कुछ कहना चाहेंगे? पेट भर गया, डिनर की जरूरत नहीं, जाके सोने का। नो व्यूज। ये खा के स्पीचलेस हो चुके हैं, इसलिए कल मैंने दोपहर में ही पूछ लिया कि 4 बजे आके क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो निकालना शिमला में ही है, तो कल दोपहर में आके हम और चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। कल हम बस से भी घूमेंगे यार, वो क्या सिनोली विनोली कहाँ जा रही थी बस, वहाँ भी मेरे को जाने में इंटरेस्ट जाते हैं। बस स्टैंड तक जाएंगे। हाँ ठीक है। लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही बट ठीक है, बहुत सारी फोटोज खिंचा रहे हैं अलग अलग टाइप की, बहुत मजा आ रहा है फोटो खिंचाने में। और मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे खिंचाना है, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, ऐसा लगता है कि खाई दिख रही है बस। और गलती से ये रोड पे हाथ लगा लो ना तो बहुत ठंडी कुल्फी जम गई।